रोक सको तो रोक, ये तूफान आया। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। जी हाँ दोस्तों, तूफान सा ही आ गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे नॉर्थ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, साउथ फिल्मों का एक अलग ही लेवल चल रही है हमारे नॉर्थ इंडिया में। तो दोस्तों, KGF चैप्टर 298 करोड़ ओनली ऑन 10 डेज। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन में 298 करोड़ रुपये कमा के एक इतिहास दर्ज कर लिया हिंदी सर्किट में दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं बातें करने आया हूँ यहाँ पे 11वां दिन का कलेक्शन के बारे में, मतलब कि आज संडे का कलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज संडे का दिन खत्म हो गया, 400 पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का कलेक्शन क्या आना चाहिए दोस्तों, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। रियली बता रहा हूँ, आप भी सुन के शॉक में हो जाओगे कि रॉकी भाई ने ये क्या कर दिया भाई। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही कलेक्शन आने वाला कल का दिन, बोले तो आज संडे वाला दिन का। दोस्तों, कल का जो कलेक्शन आने जो कलेक्शन कल आएगा, वो जो संडे का, वो कलेक्शन करीब 18 से 20 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 10वें दिन 18 से 20 करोड़। तो आप जोड़ लो, भी काउंट कर लो आप, 198 प्लस 18 से 20, रियली बता रहा हूँ, 300 करोड़ पार भाई। दोस्तों, रॉकी भाई, मैं क्रेडिट अधीरा को भी देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अपने बाबा बोले तो अपने खलनायक। जी हाँ दोस्तों, अगर खलनायक नहीं होते तो संजय दत्त के बिना ये मूवी अधूरा होती, और संजय दत्त के बिना KGF चैप्टर 2 300 करोड़ करना मुश्किल हो जाती। जी हाँ दोस्तों, आप बोलते होंगे कि अरे यार, ये क्रेडिट संजय दत्त को क्यों दे रहे हो? तो दोस्तों, देना ही पड़ेगा, क्योंकि संजय दत्त को भी देखने जा रहे हैं भाई, हमारे जो नॉर्थ इंडिया, खासकर संजय दत्त को ही देखने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि रॉकी भाई अपना मचान नहीं मचा रहे हो, रॉकी भाई ने फुल मचान किया है मूवी में। लेकिन बाबा अपना अधीरा वो भी कम नहीं थे भाई, बराबर का टक्कर दिए उन्होंने। तो दोस्तों, आज का कलेक्शन जो आने वाला है वो चौंकाने वाला है, और कल का दिन जो प्रेडिक्शन होएगा वो तो मंडे का ही मालूम चलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं प्रेडिक्शन पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज का जो प्रेडिक्शन सुना ना, रियली बता रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये खबर बताने के लिए आ गया मैं। दोस्तों, सुपर बोले तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब देखो, KGF चैप्टर 2 ने एक इतिहास रच दिया है बॉक्स ऑफिस पे, रियली बता रहा हूँ, खासकर हिंदी सर्किट में। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये रिकॉर्ड को तोड़ना इसकी बस की बात है? आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वो बेल आइकन भी दबाना, ताकि हमारे हर वीडियो आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।